हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनेशन के बारे में। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो हम लोग क्या पढ़े, मेगा स्पोरोजेनेसिस एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट यह वह क्वेश्चन है, साथ में वह लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। कौन कौन? मेगा स्पोरोजेनेसिस, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। पॉलिनेशन जो है वह एक नंबर या दो नंबर में आ सकता है, और उसमें डिफाइन करने पूछेगा कि पॉलिनेशन क्या होता है। साथ में पहला क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि पॉलिनेशन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में भी पूछा सकता है। इसमें तीन नंबर का पूछा जा सकता है विथ डायग्राम। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा एजेंट। ठीक है, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, कि पॉलिनेशन में कौन कौन सा एजेंट जो है वह मदद करता है। तो इसको कैसे पूछा जाता है अभी बताते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, पोलन ग्रेन जो था वह मेल फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था उसके एंथर में बन रहा था, है ना। फ्लावर का, जैसे कि यह फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसमें क्या क्या होता है, दो पार्ट होता है, पहला एंथर और दूसरा फिलामेंट। तो यह हुआ एंथर और फिलामेंट। तो पोलन ग्रेन का जो फॉर्मेशन हो रहा था वह एंथर में हो रहा था, है कि नहीं, एंथर में पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा था। तो पोलन ग्रेन एंथर से, फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से उड़ के, अगर वह या किसी भी माध्यम से, चाहे वह कीट मकोड़ा के माध्यम से, वाटर के माध्यम से, हवा के माध्यम से, बर्ड्स के माध्यम से फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में जाता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन। तो फीमेल के किस पार्ट में? तो फीमेल का जो स्टिग्मा रहेगा उसमें जाके या लैंड करेगा। ये हुआ स्टिग्मा, ये हुआ स्टाइल, और ये क्या हुआ, ओवरी। ओके, तो यहां पर क्या बना, मेल गैमेट, जिसका क्या नाम है, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के एंथर से उड़ के या किसी भी माध्यम से अगर फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टिग्मा में लैंड करता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन। बात समझ में आ गई। उसके बाद है, पॉलिनेशन के दो प्रकार होते हैं। पहला है सेल्फ पॉलिनेशन, क्या, सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में देखिए क्या होता है। देखिए, ये जो फ्लावर है यह बाइसेक्सुअल, मींस कि दोनों है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी दिख रहा है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दिख रहा है। ओके, सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो पोलन ग्रेन बन रहा है, मींस कि जो मेल गैमेट है, वह एंथर से रिलीज हुआ और अपने ही फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के स्टिग्मा में जाके लैंड कर गया। मीन्स कि यह जो पोलन ग्रेन है वह कहीं दूसरे जगह नहीं गया, अपने ही घर में फर्टिलाइजेशन हुआ। हुआ कि नहीं हुआ, यहां से एंथर निकला और यहां के स्टिग्मा में जाके गिर गया। तो हम इसको क्या बोलेंगे, सेल्फ पोलिनेशन। ओके, फिर है क्रॉस पोलिनेशन। तो क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है कि यह जो एंथर है, यह एंथर है, इसमें ना गिर के वह किसी भी माध्यम से वह दूसरे प्लांट में जाके गिरेगा, दूसरे प्लांट के फ्लावर में। ओके, तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्रॉस पोलिनेशन। बात समझ में आई? तो ये हो गया। उसके बाद होता है एजेंट। एजेंट मींस, देखते हैं इसके बाद में, अभी देख लेते हैं आगे। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन क्या है, एक मेल गैमेट है, किसका, फ्लावर का। पोलन, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन। सिंपल है, कहां से ट्रांसफर हो रहा है, तो एंथर से, कहां से, एंथर से स्टिग्मा तक। ओके, अच्छा, आप लोग के दिमाग में यह भी आता होगा कि मेल गैमेट जो पोलन ग्रेन है वही क्यों ट्रांसफर होता है, फीमेल गैमेट भी तो ट्रांसफर हो सकता था, है कि नहीं। लेकिन ऐसा नहीं, मेल गैमेट को ही ट्रांसफर होगा, क्योंकि यह मोटाइल, मीन्स कि यह किसी भी मीडियम से एक जगह दूसरे जगह चला जा सकता है, और साथ में जो इम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, जो फर्टिलाइजेशन होगा, उसका जो पार्ट्स होता है, वह प्लेस जो होता है वह फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन में ही है, इसीलिए फीमेल गैमेट जो है वह ट्रांसफर नहीं होता, चाहे वह मेल के केसेस में हो, सॉरी ह्यूमन बींग के केसेस में हो, या वह फ्लावर के केसेस में। बात समझ में आ गई। आगे देखते हैं, पोलिनेशन इज ऑफ टू टाइप, दो तरह का है। पहला है सेल्फ पोलिनेशन, दूसरा है क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन में भी दो तरह का है, पहला है ऑटोगेमी और दूसरा है गेटेनोगेमी। क्या है, ऑटोगेमी और गेटेनोगेमी, इसको समझते हैं। ऑटोगेमी, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। जब पोलिनेशन होगा सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर में, तो हम बोलेंगे उसको
ऑटोगेमी, ठीक है। ये एक ही फ्लावर है और यहाँ से पोलन ग्रेन निकला और इसी के स्टिग्मा में अपने ही प्लांट के, सॉरी अपने ही फ्लावर के जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके स्टिग्मा में गिरेगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ऑटोगेमी। बात समझ में आ गई। दूसरा है क्लिस्टो गेटेनोगेमी, इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर्स ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ एनोदर फ्लावर ऑफ आइदर सेम और जेनेटिकली सिमिलर प्लांट। देखिए थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्या हुआ है, ऑटोगेमी में देखें कि एंथर से पोलन ग्रेन निकला और अपने ही फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टिग्मा में जाके लैंड किया, ओके। इसमें क्या है गेटेनोगेमी में, इसमें दो केसेस बोला गया। पहला बोला गया है कि यह पोलन ग्रेन यहां ना गिर के या एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के जाके, सॉरी एक फ्लावर के दूसरे फ्लावर, एक प्लांट के एक फ्लावर से उड़ के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में जाके गिरेगा, या तो फिर जेनेटिकली सेम होना चाहिए, या तो फिर यहाँ से उड़ के यहाँ जाएगा और ये जो दोनों प्लांट रहेगा वह जेनेटिकली सेम होना चाहिए, जेनेटिकली सेम होना चाहिए। जेनेटिकली सेम होने का मतलब क्या है, जेनेटिकली सेम होने का मतलब है जैसे कि ये एक पेरेंट्स है, ठीक है, इनके दो बच्चे हुए, ठीक है, तो दोनों बच्चे जो है वह जेनेटिकली सेम है क्योंकि इनके जो ओरिजिन यहाँ से हुआ है इसका भी ओरिजिन यहाँ से हुआ है, तो ये क्या हुआ, दोनों बच्चे जेनेटिकली सेम है। इसी तरह ये दोनों प्लांट जो है, दोनों पौधा वह जेनेटिकली सेम होना चाहिए, ठीक है, मीन्स कि दोनों का जो ओरिजिन हुआ एक ही प्लांट से हुआ होगा, एक ही फ्लावर से हुआ होगा, ओके। तो गेटेनोगेमी में यह कह रहा है कि जो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा वह अपने ही प्लांट में होगा या तो फिर जेनेटिकली सेम, ठीक है, वह दूसरे प्लांट में होगा तो वह जो प्लांट होगा वह जेनेटिकली सेम होना चाहिए। बात समझ में आ रही है, तो ये क्या बोल रहा है, गेटेनोगेमी। उसके बाद बोला है क्रॉस पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन में क्या है, जेनोगेमी। इसमें बोल रहा है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट, क्या बोला है इसमें, डिफरेंट प्लांट बोला है, बिलोंगिंग टू जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट। आप बोलेंगे कि जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट बोल रहा है तो क्या सर एक फ्लावर गुलाब का जाके गेंदा में हो जाएगा या सनफ्लावर का गेंदा में, नहीं, जेनेटिकली डिफरेंट बोला है, मीन्स कि यह जो प्लांट है जैसे यह पेरेंट्स है यह जेनेटिकली, ये जो दो बच्चे हैं इसके जो जेनेटिकली वह सेम है, ठीक है। अब ये एक बच्चे है, इसके एक पेरेंट्स है, इसके दो बच्चे हैं, तो क्या ये दोनों जेनेटिकली सेम है, नहीं, लेकिन ये दोनों जेनेटिकली सेम है, ये दोनों जेनेटिकली सेम है, ये दोनों जो है वह जेनेटिकली सेम नहीं है। बात समझ में आई, लेकिन यह ह्यूमन बींग ही है, आपस में फर्टिलाइजेशन कर सकता है। बात समझ में आई, तो क्रॉस पोलिनेशन में ये होता है कि जो पोलन ग्रेन जो होता है वह ट्रांसफर होता है दूसरे फ्लावर में और वह जो फ्लावर होगा वह जेनेटिकली सेम नहीं होगा, वह जो प्लांट होगा वह जेनेटिकली सेम नहीं होगा, ओके। आगे है एजेंट ऑफ पोलिनेशन, एजेंट ऑफ पोलिनेशन इसका मतलब क्या है कि जो पोलिनेशन में मदद करता है, जो पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करने में मदद करता है हम उसको क्या बोलेंगे, एजेंट बोलेंगे। जैसे कि हवा, विंड, हवा के माध्यम से पोलन ग्रेन उड़ के एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है, ओके। फिर आप देखे होंगे कि मधुमक्खियाँ जो होती है वह फूल में जाके रस जो नेक्टर होता है उसको सक करने के लिए जाता है और उसके मदद से पोलन ग्रेन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर चला जाता है, ओके। उसी तरह बर्ड्स है, उसी तरह वाटर है, अब बोलेंगे सर वाटर, तो वाटर जो पानी में जो पौधा रहता है उसके लिए, ठीक है, सबके लिए नहीं, बारिश का जो पौधा हुआ, बारिश में जो पानी आया उससे बड़े बड़े पौधों का पोलन ग्रेन दूसरी जगह नहीं जाएगा, जो वाटर में रहता है जैसे नदी में है, तालाब में है, वह ट्रांसफर कर सकता है। बात समझ में आई। उसके बाद क्या है, बेड्स है, स्नेल है, चींटी है, ये सब जो है वह क्या है, एजेंट है। देखिए एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछता है जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा कि एनिमोफिली जो है वह क्या है, तो एनिमोफिली जो है वह जैसे विंड से ट्रांसफर होगा पोलन ग्रेन तो हम उसको बोलेंगे एनिमोफिली पोलिनेशन। बात समझ में आए। उसी तरह अगर वाटर से होगा तो हाइड्रोफिली, इंसेक्ट से होगा तो इंटेमोफिली, स्नेल से होगा तो मालाकोफिली, एंट से होगा तो मायरमेकोफिली, बेड से होगा तो चिरोप्टोफिली और बर्ड्स में होगा तो
ऑर्निथोफिली। ओके, एग्जाम पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन, जो है एग्जाम में पूछा जाता है एक नंबर से। एक कोई दे देगा, बोलेगा विंड से ट्रांसफर होता है उसको क्या बोलते हैं, दो तीन क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में दे देगा, तो एनिमोफिली जो होगा वह करेक्ट होगा। बात समझ में आई? तो आज की वीडियो हम लोग क्या देखें, पोलिनेशन देखें। एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं, मतलब कि पोलन ग्रेन को जो मेल गैमेट है वह ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा तक, तो हम उसको बोलते हैं पोलिनेशन। पोलिनेशन दो प्रकार का होता है, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन में भी दो टाइप है, पहला टाइप क्या है ऑटोगेमी और दूसरा टाइप क्या है गेटेनोगेमी। ऑटोगेमी में अपने ही घर में मैरिज होता है, मींस कि अपने ही सेम फ्लावर में दो पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो मेल गैमेट बन रहा है वह फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट के स्टिग्मा में जाकर गिरेगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे ऑटोगेमी, या जो पोलन ग्रहण है या दूसरे जगह नहीं जाता है। गेटेनोगेमी में क्या होता है कि पोलन ग्रहण दूसरे जगह जाता है, लेकिन या तो वह सेम फ्लावर में, सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर, मतलब कि देखिए एक जो प्लांट है उसमें क्या एक ही फ्लावर होगा, नहीं, उसमें एक से ज़्यादा फ्लावर होगा। तो एक फ्लावर से पोलन ग्रहण उड़ के दूसरे फ्लावर में गिरेगा, लेकिन वह प्लांट जो है वह वही रहना चाहिए, या तो फिर वह प्लांट जो है वह जेनेटिकली सेम होना चाहिए। अगर पोलन ग्रहण उस प्लांट से उड़ के दूसरे प्लांट में जाता है, दूसरे प्लांट के फ्लावर में जाता है, तो वह जो प्लांट होगा वह जेनेटिकली सेम होना चाहिए, तो जाके हम उस तरह के पोलिनेशन को क्या बोलेंगे गेटेनोगेमी। तीसरा है क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन में क्या होगा कि पोलन ग्रेन जो है वह उड़ के या किसी भी माध्यम से, वाटर से, चींटी से, बेड से, दूसरे फ्लावर में जाके गिरेगा, ठीक है, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में जाके गिरेगा, लेकिन वह जो फ्लावर होगा वह जेनेटिकली सेम नहीं रहेगा। बात को समझिए, क्या रहेगा, जेनेटिकली सेम नहीं रहेगा। ओके, और फिर क्या है एजेंट ऑफ पोलिनेशन, ये सात एजेंट है, सातों आप लोग याद कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।